स्वागत है क्यूरियस माइंड्स का। आज फिर से मैं मौजूद हूँ ग्रे लंगूर की एक टोली के साथ, और एक डॉक्यूमेंट्री टाइप ये वीडियो होने वाला है, क्योंकि मैंने कई घंटे यहाँ पर बिताए इन लंगूर परिवार के साथ जो इस बड़ के पेड़ पर रहता है। तो शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री टाइप है। हम आज इनको इनके बैनियन हैबिटेट में देखेंगे और इनकी उछल कूद को देखेंगे। ये देखिए, ये जो नीचे आ रहा है ये एक डोमिनेंट मेल है। अग्रेसिव और चार्ज करने वाला ये डोमिनेंट मेल है। तो आज इनके पूरे ट्रूप यानी कि पूरे परिवार को, ये पूरे झुंड को इनको ट्रूप कहा जाता है। तो इनके ट्रूप को हम देखेंगे कि ये क्या एक्टिविटीज़ करते हैं बैनियन पर, और कैसे पुराना बैनियन का पेड़ जो कि काफ़ी कई सौ वर्ष पुराना है, विशालकाय है, ग्रैंड ओल्ड बैनियन है, वो किस तरीके से पूरी एक लंगूर के परिवार को आश्रय देता है और एक हैबिटेट है इनका। तो हम पेड़ के बारे में भी समझ पाएंगे और इन लंगूरों के बारे में भी। इस वीडियो में आपको लंगूर बंदरों की उछल कूद के साथ साथ मैं थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन और शेयर करना चाहूँगा इन बंदरों के बारे में जो कि मैंने ऑब्ज़र्व किया लंगूर पर। और एक ऑलरेडी मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने आपको दिखाया था लंगूर की टोली के बीच में जाके, लेकिन उस समय पर वो लंगूर जो थे वो सारे ज़मीन पर बैठे हुए थे, तो ग्राउंड पर फोरेज कर रहे थे। यहाँ पर हमको ये पेड़ पर दिखाई दे रहे हैं, तो ये एक दूसरा पार्ट है इनकी लाइफ का। ज़्यादातर समय ये पेड़ पर, पेड़ की सुरक्षा में, पेड़ की ऊंचाई की जो सुरक्षा होती है उसमें बिताना पसंद करते हैं। बहुत ज़्यादा एजाइल मंकी है, बहुत ज़्यादा एक्टिव लाइफस्टाइल वाला ये मंकी है कंपेयर टू अदर मंकीज जो दुनिया में पाए जाते हैं। ये जो ग्रे लंगूर है इसको ब्लैक फेस लंगूर या हनुमान लंगूर भी कहते हैं। ये एक स्पीसीज़ है प्राइमेट्स की जो कॉमन है बहुत ज़्यादा थ्रू आउट इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ख़ास तौर पर इंडिया में बहुत कॉमन है ये। और इन प्राइवेट्स, ये जो प्राइवेट्स हैं ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली सोशल होते हैं और ये एक ग्रुप में मूव करते हैं जिनको ट्रूप्स कहा जाता है। तो हम उन्हीं एक ऐसे ही ट्रूप को देख रहे हैं। एक ट्रूप जो है इसमें सारे मेल भी हो सकते हैं या फिर एक मिक्स्ड ट्रूप भी हो सकता है। हर एक ट्रूप में एक अल्फा मेल, एक अल्फा डोमिनेंट मेल होता है और एक अल्फा पैर होता है। लंगूर, इनको एक बहुत विशालकाय पेड़ चाहिए होता है, मजबूत पेड़ चाहिए होता है, मजबूत टहनी वाला। तो बड़ से बेहतर पेड़ तो इनके लिए हो नहीं सकता, एक विशालकाय वटवृक्ष। तो हमें, जैसे कि मैं इस चैनल पर हमेशा बताता हूँ, और एक ख़ास जगह मिलती है मेरे चैनल पर पुराने पेड़ों को, जब भी मुझे पुराने पेड़ दिखते हैं तो मैं उसको ज़रूर यूट्यूब पर शेयर करता हूँ, क्योंकि एक ख़ास नाता है मेरा। बहुत ज़्यादा मैं एक्साइट हो जाता हूँ पुराने पेड़ों को देख करके, तो और उनकी वैल्यू को भी मैं आपके साथ बताता हूँ कि क्यों इतने इम्पॉर्टेंट होते हैं पुराने पेड़। तो आप देख पा रहे हो कि पूरा फैमिली लंगूर का इस पेड़ पर रहता है और आराम फरमाता है, इनके फलों को भी खाता है और इस बैनियन के सीड्स को भी डिस्पर्स करता है। तो दोनों के लिए एक सिम्बायोटिक म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप है यहाँ पर। लंगूर की जो माँ होती है वो देखो आप न्यू बॉर्न के साथ मौजूद है, तो पूरा एक फैमिली है जिसमें यंग है, जुविनाइल्स है, अभी अभी जो न्यू बॉर्न्स है वो भी है और एडल्ट्स भी है। मदर और जो बेबी होता है वो इनसेपरेबल होता है, जब तक वो बच्चा जो है खुद इंडिपेंडेंटली जीना नहीं सीख जाता। तो लंगूर की एक सोसाइटी जो है वो बहुत क्लोजनेट होती है, उसमें आंट्स, बहुत सारी आंट्स, अंकल, सिबलिंग्स, कजिन्स बहुत सारे होते हैं और एक क्लोज बॉन्ड इनके बीच में होता है। न्यू बॉर्न के साथ भी एक क्लोज बॉन्ड होता है, क्रूशल होता है उस न्यू बॉर्न के लिए, क्योंकि ये जो सारी स्किल्स जो सीखेगा फैमिली में वो उसको सर्वाइवल में मदद करती है, और बहुत तेज़ी से ये सीखते हैं और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि नेचर में जैसे कि हमको पता है कोई सेकेंड चांस नहीं होता। तो ये सारा खेल कूद जो है एक तरीका है स्किल्स को सीखने का।
ग्रेल अंगूर जो है इनका साइंटिफिक नाम है सेमनोपिथेकस एंथेलुस। और ये जो स्पीसीज है, खास बात है कि ये इनकी एक लार्जेस्ट टेल होती है, मंकी जितने भी मंकी होते हैं तो इनकी पूंछ बहुत लंबी होती है, और ये मदद करते हैं इनको इन ब्रांचेस में नेविगेट करने में। और ये बंदर जो है 24 घंटे में से, यानी कि एक दिन में आधा समय, यानी कि 12 घंटे तो आराम रेस्ट करने में या ऐसे ही सुस्ताने में बिताते हैं, और बहुत कम एक्टिव होते हैं, 12 घंटे के लिए एक्टिव होते हैं। एक ट्रूप में अगर बात करूँ तो 35 से 90 इंडिविजुअल हो सकते हैं, और जंगल में जो है इनकी तादाद ज़्यादा होती है, क्योंकि ये एक गांव है या सेमी अर्बन एरिया है, तो यहाँ पर हैबिटेट कम है और ट्रूप की साइज़ भी छोटी है। एक डोमिनेंट मेल जैसा कि मैंने कहा होता है, और बहुत सारे दूसरे एडल्ट सब एडल्ट इन ट्रूप में मौजूद होते हैं। बच्चा जो है इनका वो एक साल माँ से चिपका रहता है और दूध पिएगा। लंगूर में जो फीमेल्स होती है उनमें एक बिहेवियर देखा जाता है जिसको कहा जाता है एलो मदरिंग या एलो नर्सिंग। इसमें जो फीमेल्स है वो एक मदर की तरह बिहेव करती है और दूसरे फीमेल्स के बच्चों को उठाकर घूमती है, उनको संवारती है, उनका ध्यान रखती है प्रेडेटर से। ये बिहेवियर को एलो मदरिंग कहा जाता है, जो कि लंगूर में फीमेल्स में देखा जाता है। बच्चा जब एक साल का हो जाता है तो वो एक साल तक दूध पीता है, 15 महीने का होने के बाद वो माँ से अलग हो जाता है और इंडिपेंडेंट हो जाता है। और जो मेन समस्या और सबसे बड़ा थ्रेट मंकी के लिए, ग्रे लंगूर्स के लिए आज के समय में है, वो है इंसान। एक तो हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं इनके हैबिटेट्स को डिस्ट्रॉय करके, और दूसरा हम इनको फीड कर रहे हैं, हम इनको खाना देते हैं ये सोचकर कि हमें पुण्य की प्राप्ति होगी, लेकिन इनसे कुछ पुण्य आपको नहीं मिलने वाला, क्योंकि आप इनको एक तरीके से मार रहे हैं। इनका जो नेचुरल डाइट नहीं है, हम उनको वो दे करके एक तो डिपेंडेंट बना देते हैं, और ये खुद जंगल में सर्वाइव नहीं कर पाते, अपने आप से सर्वाइव नहीं कर पाते। ये जो अपनी अक्वायर्ड स्किल्स है थ्रू द ओवर जनरेशंस, उसको ये भूल जाते हैं कि कौन सी वनस्पतियों को खाना है। बहुत ज़्यादा एक डीप नॉलेज इनके अंदर होता है जो पास ऑन होता है, वो हम एक चेन को ब्रेक करते हैं, और अनहेल्दी जिसमें तली हुई चीज़ें, जिसमें मिठाइयाँ, ये सारे इनके लिए, ना सिर्फ इंसानों के लिए, इनके लिए तो बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं इनके स्वास्थ्य के लिए। तो सबसे बड़ा, अगर आपको पुण्य करना है तो इनको आप ना दीजिए कोई भी प्रकार का खाना जो इंसान खाते हैं, वो मत दीजिए। आप देना चाहते हैं तो इनको आप फ्रूट्स अवश्य दे सकते हैं जो कि केमिकल से मुक्त हो। और ये जो है बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स को, जैसे कि आप देख रहे हो कि हर्ब्स को, प्लांट्स को खाना पसंद करते हैं, खुद इनमें एक नॉलेज होती है कि कौन सी पत्तियों को खाना है, मेडिसिनल हर्ब्स को खाते हैं जिनसे इनके जो रोग होते हैं वो भी दूर हो जाते हैं, तो एक नॉलेज होती है इनके पास। और एक थ्रेट जो देखा जाता है वो नेचुरल थ्रेट है, जिसमें नेचुरल कम ह्यूमन बोल सकते हैं, जिसमें प्रोसोपिस जूली फ्लोरा की जो स्पीसीज़ इंट्रोड्यूस की गई है भारत में, वो इनके हैबिटेट्स को तबाह कर रही है, डिस्ट्रॉय कर रही है, और कम्प्लीटली इनसे छीन रही है। जो नेटिव स्पीसीज को टक्कर देने वाली ये स्पीसीज़ है प्रोसोपिस जूली फ्लोरा, वो इनके नेचुरल हैबिटेट्स को ख़त्म कर रही है। तो ऐसे पेड़ों को भी हमें नहीं लगाना चाहिए जो कि इन्वेसिव है या फिर स्प्रेड होते हैं, नेटिव नहीं है। और ये जो मंकी है, ये जो लंगूर है, आप देख रहे हो कि बहुत ज़्यादा एक्टिव लाइफस्टाइल वाले मंकी हैं, लेकिन जब इनकी हैबिटेट लॉस होता है, इनका हम कंस्ट्रक्शन करते हैं इनके हैबिटेट को डिस्ट्रॉय करके, तो इनमें एक सेडेंट्री लाइफस्टाइल का बढ़ावा होता है, वो बढ़ावा मिलता है, जिसमें ये बहुत ज़्यादा लेजी हो जाते हैं, डिपेंडेंट हो जाते हैं, और एक्टिविटीज़ करना छोड़ देते हैं। और देखो आप, बहुत सारी जंपिंग, फोरेजिंग, खेल कूद, इसमें इनके जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो अगर पेड़ नहीं होंगे, ऐसे पुराने पेड़ जो वड़ के हैं, पीपल के हैं, जिनमें ये रहना पसंद करते हैं,
तो इतना ज़्यादा एक्टिविटी ये नहीं कर पाएंगे। एक लीजर एक्टिविटी के तौर पर हम इनको ऑब्जर्व भी करें तो बहुत ज़्यादा एक फन एक्टिविटी होती है। बहुत ज़्यादा ये उछल कूद जब करते हैं, एक दूसरे को ग्रूमिंग कर रहे होते हैं, तो बहुत ज़्यादा एक फन जॉयफुल एक्सपीरियंस होता है। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है इनको देखने में, और काफ़ी हद तक इनकी एक्टिविटीज़ जब हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हम भी ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं। तो एक पास्ट, जो हमारा शेयर्ड पास्ट, शेयर्ड हिस्ट्री है और शेयर्ड एवोल्यूशन हुआ है हमारा। तो आज जो हम होमो इरेक्टस के रूप में मौजूद हैं, एक इवोल्यूशन की जर्नी को भी हम इनमें देख सकते हैं। देखिए, डोमिनेंट मेल जो होता है वो इस तरीके से झाड़ में, जो पूरा वृक्ष है उसमें तेज़ी से मूवमेंट करता है, यहाँ से वहाँ जंप करता है, डालियों को यानी जो ब्रांचेस है उसको हिलाते हुए, ताकि अपने एक डोमिनेशन को वो असर्ट करता है इस तरीके से। और काफ़ी ज़्यादा वो अग्रेसिव और चार्ज करने वाला होता है। एक ट्रूप की और दूसरे ट्रूप की यहाँ पर आपको लड़ाई भी देखने मिल जाएगी। यहाँ पर इसमें चौकीदारों की भी एक रोल होती है, जो कुछ मेल होते हैं वो चौकीदार की भूमिका निभाते हैं। सबसे टॉप पर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो बंदर बैठे हैं वो वॉच रखते हैं, चौकीदार की तरह काम करते हैं और नज़र रखते हैं चारों ओर, जिससे कोई भी खतरा हो या फिर दूसरा कोई अग्रेसिव मेल हो उससे ये सावधान हो सके और सब भाग सके या फिर फाइट कर सके। इतना पुराना ये बड़ का वट वृक्ष है कि पूरे एक ट्रुप को उसने आश्रय दे रखा है, और एक विशाल वट वृक्ष ही ऐसा कर सकता है। ये अपने आप में एक मिनी फॉरेस्ट जिसको बोलते हैं। तो वट वृक्ष, आज पुराने वट वृक्ष की संख्या काफ़ी कम होती जा रही है और इनको बिना सोचे ही काट दिया जाता है। इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इनकी, इतना ज़्यादा इकोलॉजिकल वैल्यू है। और इनके फ्रूट्स का भी देखिए, मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ इस पेड़ को, ऊपर से काफ़ी पुराना है, और जब भी ऐसे टेंपल के आसपास होता तो उसको प्रोटेक्शन मिल जाता है,